हेलो गाइस, मैं हूँ अरुण और एक और वीडियो आ रही है। तो फिर ऐसा है कि अगर आप ओपन सीवी को अपने केंटर जीयूआई में डालना चाहते हैं तो फिर मैं आपको आसानी से बताऊंगा और समझाऊंगा भी ये काम कैसे करेगा। तो आपको पहले ओपन सीवी की वर्किंग समझनी होगी। करता क्या ओपन सीवी? ओपन सीवी जो है आपके कैमरा से इनपुट लेता है, लेकिन इनपुट को वो एज अ इमेज नहीं लेता। ओपन सीवी उसको एज अ अरे लेता है। अरे लेता है किसका? थ्री डायमेंशनल, आई मीन उसमें जो है तीन डायमेंशन आपको मिलेंगे। उसमें जो है आपको तीन डायमेंशन का डेटा मिलेगा। जैसे कि अगर मैं, चलिए मैं बताने ज़्यादा दिखाने में विश्वास रखता हूँ, अगर वीडियो देखते हैं तो आप जानते हैं। तो मैं कोई फोल्डर सेलेक्ट कर लिया हूँ अपना, ठीक है, हाँ ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो है मैंने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया अपना, और अब यहाँ पे जो है हम लोग जो है कमांड विंडो खोलेंगे यहीं पे, और मैं हूँ अपना विजुअल स्टूडियो कोड यहीं पे लॉन्च कर दूंगा। तो फिर मैं विजुअल स्टूडियो कोड लॉन्च कर रहा हूँ और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ओपन सीवी कैसे अरे की तरह लेता है। तो फिर यहाँ पे जो है आपको ज़्यादा कोई ओपन सीवी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो फिर यूट्यूब ओपन सीवी किंटर डॉट पाई, ये देख लीजिए मेरी फाइल आ गई है। अब सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर दूंगा CV2। CV2 हमने इंपोर्ट कर दिया है, और इसके साथ ही अब क्या करेंगे, पहला काम कि हम लोग इमेज कैप्चर करेंगे। तो फिर मेरा जो है जीरो इंडेक्स का कैमरा ख़राब है मेरा, तो फिर मेरा जो है इंडेक्स 2 का कैमरा काम कर रहा है। तो फिर मैं जो हूँ अपना इंडेक्स 2 का कैमरा खोलूंगा। तो फिर हम लोग जो है एक कैप नाम का वेरिएबल बनाएंगे जो कि वीडियो कैप्चर को इनिशियलाइज करेगा। CV2 डॉट वीडियो कैप्चर, टू मेरा 2 वाला काम कर रहा है, आपका 0 वाला काम कर सकता है, 1 काम कर सकता है, आप चेक कर लीजिएगा। तो फिर अब जो है मैं अपनी पहली इमेज लूँगा और मैं उसको प्रिंट आपको करके दिखाऊंगा कि उसका डायमेंशंस क्या है। तो फिर सबसे पहले मैं नमपाई को भी इम्पोर्ट करूँगा, हम लोग को नमपाई की ज़रूरत पड़ने वाली है। इम्पोर्ट नमपाई एज NP, मैंने NP को इम्पोर्ट कर दिया एंड नमपाई को इम्पोर्ट कर दिया। अब जो है मैं कैप्चर करूँगा वीडियो, जो वीडियो, तो फिर मेरी जो पहली इमेज 1 है इक्वल टू किसकी होगी? कैप डॉट रीड। इसमें जो है पहली वैल्यू आपको जो मिलती है वो वैल्यू होती है आपकी फ्लोट नहीं, बूलियन वैल्यू, ट्रू और फॉल्स रहती है। अगर कैमरा काम कर रहा है तो ट्रू होगा, और अगर नहीं कर रहा है तो फॉल्स होगा। तो फिर कैप डॉट रीड, अब देखिए मैं कैप को रीड कर रहा हूँ, लेकिन इसकी जो दूसरी वैल्यू होती है यानी इंडेक्स 1 पर, वो आपका इमेज डेटा होता है, इमेज अरे। तो फिर मैं जो हूँ अगर इमेज 1 को प्रिंट करूँ, प्रिंट इमेज 1, देखिए आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, एक अरे मिलेगा आपको। ये देखिए एक अरे दे दिया, 3 डायमेंशनल अरे है। और यहाँ पे देखिए सारे पिक्सल्स नोट हैं। अगर मैं इसका वो प्रिंट करूँ, इसका टोटल वो क्या है, डायमेंशंस क्या है, डॉट शेप, इसका शेप क्या है, ये देखिए 480, 640, 3, ये 3 डायमेंशन है, 1 2 3। अभी क्या कह रहा है, 480 यानी कि विड्थ इसकी, इसकी जो हाइट है वो 480 है ये, और इसकी जो विड्थ है वो 640 है, और इसके अंदर हर एक पिक्सल में 3 कलर है, RGB वैल्यू। तो फिर ये तो BGR लेता है, RGB BGR चाहे ब्लू बोलें, इसको बाद में हम लोग ठीक करेंगे। तो फिर अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम लोग जो है अपना किंटर GUI बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग नेसेसरी मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट कर देते हैं। इम्पोर्ट किंटर एज फ्रॉम किंटर, सब कुछ इम्पोर्ट कर लेते हैं, क्या होता है, फ्रॉम किंटर इम्पोर्ट स्टार। फिर ये मैंने जो है स्टार को इम्पोर्ट कर दिया है। अब सबसे पहले हम लोग एक रूट विंडो बनाएंगे। तो फिर रूट इज इक्वल टू TK वाइल ट्रू रूट डॉट अपडेट। अब जो भी काम होगा इसके अंदर होगा। तो फिर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये रूट की जो डायमेंशन है वो फिक्स कर देंगे। ज्योमेट्री रूट डॉट ज्योमेट्री, हमारी कौन सी ज्योमेट्री होनी चाहिए, मैं ले लेता हूँ, अगर हम लोग की 640 विड्थ है तो फिर मैं ले लूँगा 700 इंटू, मैं कुछ भी दिमाग में इस टाइम नहीं चल रहा है, तो फिर मैं जो 540 ले लेता हूँ। थोड़ा सा कंसीडर भी करते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए, लुक्स लुक्स की बात होती है। रूट डॉट ज्योमेट्री की जगह हम लोग जो लेंगे, अब मैं बताता हूँ हम लोग क्या लेंगे। तो फिर यहाँ पे जो है कॉन्फ़िगर हम लोग करेंगे अपनी विंडो को। तो फिर लुक्स को बढ़ाने के लिए, हम लोग सबसे पहले इसमें एट्रीब्यूट जो डालेंगे वो होगा BG, यानी कॉन्फ़िगर कर दो इसका जो बैकग्राउंड होगा, मैं BG क्या रखूँगा। अब आप हेक्स वैल्यू दे सकते हैं, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ब्लैक। अब देखिए क्या होता है, अब आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ये देखिए
देखिए एक ब्लैक विंडो, काली विंडो हम लोग को मिल गई। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अगर मैं अगर ये नहीं करता, अगर सपोज अगर मैं ये नहीं करता, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, तो फिर ये जो है अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ और अब जो है मैं रन करूँ, तो देखिए कितना और सा विंडो मिल गई। देखिए ये मुझे विंडो इतना कलर अच्छा नहीं लगा जितना ब्लैक का लगता है। ब्लैक लवर है हम सब। हाँ ब्लैक तो सबका फेवरेट है, जब तक वो स्किन पे बात ना आ जाए, मतलब इंडिया में तो यही होता है स्किन को लेके। तो फिर ये जो है रूट डॉट कॉन्फिगर वीजी इज इक्वल ब्लैक मैंने कर दिया है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसमें लेबल डालूंगा। लेबल में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिख देते हैं रूट के अंदर पैक कर दो, और इसके अंदर और हम लोग क्या क्या करेंगे कि हम लोग जो है इसका एक टेक्स्ट डालेंगे। टेक्स्ट क्या होगा, अरुण कैम नंबर वन। अब ये जो है टेक्स्ट मैंने लिख दिया है, और इसके साथ ही हम लोग इसे डॉट पैक कर देते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा फॉन्ट डाल दूँ, फॉन्ट इज इक्वल टू टाइम्स न्यू रोमन, न्यू रोमन, और बोल्ड डाल लेते हैं हम लोग। बोल्ड बोल्ड नहीं, सबसे पहले तो यहाँ पे साइज जाएगा, तो फिर मैं 30 रख देता हूँ और बोल्ड। ये देखिए अब यहाँ पे जो है कलर की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर हम लोग जो है क्या करेंगे कि इसका कलर चेंज करेंगे। तो फिर इसका जो बीजी होगा वो ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक। और जो एफ जी है मैं एफ जी रखूँगा रेड, मेरी कलर सेंस बहुत ख़राब है तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो फिर यहाँ पे जो है मुझे कुछ एरर दे दिया है, तो फिर देखते हैं क्या एरर है। बीजी इज इक्वल टू ब्लैक बोल्ड, ओ शिट सॉरी गलती कर दी मैंने। ये सब जो है वैल्यू यहाँ तक ही है सीमित, कंट्रोल एक्स। अब ये जो है बाहर आ जाएगी, हाँ अब सही है। तो फिर थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है एरर तो कंसोल भी नहीं दे रहा, तो फिर चेक करके देखते हैं। फिर ये अरुण कैम है स्टेकोन, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो फिर यहाँ पे देखिए लुक्स आ गए हैं। तो फिर ये जो है अब हम लोग जो है सबसे मेन काम करते हैं। तो फिर क्या है कि अब हम लोग जो है पेल को भी इम्पोर्ट करेंगे, फ्रॉम पिल इम्पोर्ट इमेज। तो ये ऐसा है कि आप में से जो प्रोग्रामर नए बन रहे हैं पाइथन, जो पहली बार सीख रहे हैं, तो मैं उनको बता दूँ कि भाई इतनी जल्दीबाजी ना करो, प्रीवियस वीडियो देख लो कैसे पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। आपका पिल अगर इम्पोर्ट ना हो, इम्पोर्ट एरर आ जाए, तो आपको क्या लिखना है, पिप इंस्टॉल पिलो पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी, मतलब पिल का मतलब होता है पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी। मेरा तो इंस्टॉल है, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और इसके साथ आपको पिप इंस्टॉल नंपाई लिखना होगा, पिप इंस्टॉल ओपन सीवी कॉन्ट्रिप पाइथन, अगर आपको फेस डिटेक्शन के लिए एक्सएमएल फाइल चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं मेरी, तो फिर मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको। अब जो है थोड़ा सा फ्रेंडली होकर हम लोग थोड़ा सा मजे में कोड करेंगे, तो फिर वीडियो चाहे जितनी लंबी हो आपके लिए जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, हमने लेबल डाल दिया, अब हम लोग एक जो है फ्रेम डालेंगे। अब यहाँ पे जो हम लोग फ्रेम को डायरेक्ट पैक नहीं करेंगे, तो ये वन लाइन था, ये वन लाइनर था। देखिए इसमें सारा का सारा वैल्यू डाल के मैंने पैक कर दिया, क्योंकि इसको इसके साथ हम लोग को काम नहीं करना, लेकिन फ्रेम के साथ हम लोग को काम करना है। फ्रेम नहीं, हम लोग लेबल फ्रेम डालेंगे। लेबल फ्रेम, लेबल फ्रेम क्यों डाल रहे हैं मैं बताता हूँ। लेबल फ्रेम डाल रहे हैं, इसके अंदर एक लेबल रहेगा और उस लेबल के अंदर इमेज रहेगी। तो फिर यहाँ पे जो है लेबल फ्रेम में सबसे पहले तो मैं रूट के अंदर पैक कर दूंगा लेबल को, और इसके साथ साथ मैं रख दूंगा बीजी इज इक्वल टू रेड और डॉट पैक ना। लेबल खुद को अपने आप ही वो कर लेगा, क्या बोलते हैं इसको, लेबल आप खुद को अपने आप ही वीडियो आई मीन अपने क्या बोलते हैं यार इसको, मैं अभी भूल गया, थोड़ी सी याददाश्त की प्रॉब्लम है। F1 डॉट पैक। तो फिर ये जो है इसके एलिमेंट के साथ अपने आप को खुद ही वो कर लेगा, पैक कर लेगा, मतलब खुद के साथ ही कॉन्फिगर कर लेगा। हाँ कॉन्फिगर सही है। तो फिर यहाँ पे जो है मैंने पैक कर दिया है, और हम लोग जो है L1 नाम का लेबल बनाएंगे। हम लोग जो है लेबल बना देते हैं, इसको कर देते हैं फ्रेम के अंदर पैक, यानी S1 के अंदर पैक करेंगे, जिसकी मदद से मुझे फ्रेम मिल जाएगा। इसका भी बीजी हम लोग बीजी भी हम लोग रेडी रखेंगे। तो फिर ये जो है L1 मुझे मिल गया है, L1 डॉट पैक। अब देखिए ये देखिए ये रहा, इसी के अंदर इमेज आएगी। ये इतनी छोटे में कैसे इमेज आएगी, मैंने इसके पहले आपको क्या कहा कि अगर मेरी इमेज बड़ी रहेगी तो ये खुद के खुद ही उसको बढ़ा लेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अब वीडियो कैप्चर शुरू करेंगे। मैंने इसको पैक किया, अब यहाँ पे से जो है वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू होगी। वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे शुरू होगी, सबसे पहले हम लोग कैप नाम का वेरिएबल फिर से बनाएंगे। कैप इज इक्वल टू CV2 डॉट वीडियो कैप्चर, वीडियो कैप्चर कैप्चर ओ
वीडियो कैप्चर मेरा तो 2 है, आपका 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप चेक कर लीजिए आप में कितने डिवाइसेज हैं। तो फिर डिफॉल्ट तो 0 होता है, मेरा 0 वाला काम नहीं कर रहा, तो मैं 2 वाला काम कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे जो है मैंने रूट को पैक कर दिया है, आई मीन रूट को अपडेट, रूट डॉट अपडेट कर क्या रहा है ये समझिए। आपकी जो किंटर व्यू बनती है वो एक लूप में चलती है, यानी हर टाइम हर एक लूप में उसकी भी, उसका जो एलिमेंट है वो अपडेट होता रहता है। तो फिर रूट डॉट मेन लूप जो है इसका ही शॉर्ट वर्जन है। वो तभी हम लोग लिखते हैं जब हमको इसके साथ काम नहीं करना होता, जब हम लोग को मेन लूप के अंदर काम करना होता है तो हम लोग रूट डॉट अपडेट करते हैं। तो फिर हम लोग जो है रूट को अपडेट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ अब मैं जो हूँ अपने जो है, अब हम लोग जो है कैप्चर शुरू करेंगे। तो फिर जब, तो पहले तो मैं लिख दूंगा इमेज इज इक्वल टू सी वी कैप डॉट रीड। हम लोग जो है रीड करेंगे, हम लोग क्या रीड करेंगे, कैप डॉट रीड हमारी जो भी इमेज है। तो फिर उसका दूसरे दूसरा एलिमेंट जो कि हमारा है इमेज, तो फिर देखिए अरे रिटर्न कर रहा है, लेकिन सी वी टू जो है फोटो इमेज को सपोर्ट करता है। तो फिर मुझे इमेज के साथ इमेज टी के भी चाहिए, इमेज टी के, इमेज टी के लाइब्रेरी को भी मैंने इम्पोर्ट कर दिया। आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इस इमेज को जो है हम लोग इसका कलर चेंज करेंगे, ये बी जी आर है, हम लोग को इसको आर जी बी कलर में करना होगा, क्योंकि इंटर में इसका उल्टा हो जाएगा, आप समझ नहीं आएगा, मैं भी आपको सबको दिखाऊंगा। इमेज इक्वल टू इमेज सी वी टू डॉट सी वी टी कलर, यानी कन्वर्ट कलर, सी वी टू डॉट, ओ टू नहीं लिखा सॉरी, सी वी टू डॉट सी वी टी कलर। अब देखिए सी वी टी कलर में हम लोग को सबसे पहले सोर्स देना होगा, हम लोग को कौन सी इमेज चाहिए। अब देखिए इसका जो बी जी आर है उसका आर जी बी के लिए उसका की कोड डालेंगे, वैसे तो डिफॉल्ट 4 होता है, लेकिन मैं जो हूँ आपको समझाने के लिए कलर अंडर स्कोर सी वी टू डॉट कलर अंडर स्कोर बी जी आर 2 RGB, देखिए ये मिल गया। तो फिर अब ये जो है BGAR से RGB कलर में कन्वर्ट किया। उम्मीद है आपको भी मजा आ रहा है कोड सुनने में, कोड को सुनने में भी मजा आती है, मुझे भी आती है कोड को सुनने में मजा। तो देखिए हमारी इमेज जो है अच्छी सी आ गई है, अच्छी खासी इमेज बन गई है, आपको यकीन नहीं होगा, अभी मैं आपको पैक करके दिखा दूंगा। तो फिर देखिए अभी जो है हम लोग को इमेज मिल चुकी है, अब जो है इमेज का अरेला है, इमेज नहीं मिली है। तो फिर हम लोग जो है इमेज को क्रिएट करेंगे। तो फिर इमेज को फिर से हम लोग करते हैं इमेज इज इक्वल टू इमेज इमेज टी के डॉट फोटो इमेज, हमने फोटो इमेज कर जो है पैक करेंगे इमेज टी के डॉट फोटो इमेज। अब इमेज इज इक्वल टू नन दिखा रहा है, तो फिर मैं जो हूँ इमेज इज इक्वल टू डाल दूंगा, इमेज इज इक्वल टू कोई जरूरत ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे जो है फोटो इमेज के अंदर हम लोग जो है इमेज डॉट फ्रॉम अरे, इमेज फ्रॉम अरे, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि ये थोड़ा सा स्लो है। तो फिर यहाँ पे जो है इमेज डॉट फ्रॉम अरे, अब हम लोग को जो अरे से इमेज चाहिए, अरे से इमेज कौन सी चाहिए, जो इमेज है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से हम लोग इमेज को अपडेट कर रहे हैं। देखिए इमेज को सबसे पहले हमने कैप्चर किया, जो हम लोग को इमेज करे मिला, फिर उसी इमेज को हमने फिर से अपडेट किया, अब उसका जो है बी जी आर वैल्यू को हमने आर जी बी वैल्यू में कन्वर्ट किया। अब इमेज को जो है हम लोग अरे से सीधे पिल इमेज यानी पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फोटो इमेज उसको किंटर इमेज कन्वर्ट कर रहा है। तब हम लोग जो है इसको अपने किंटर जी आई में यूज कर सकते हैं। देखिए जो मैंने L1 बनाया था लेबल, तो फिर उसका जो एक एक इसके अंदर वो होता है क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट, जिसका नाम है इमेज। L1 में हम लोग इमेज भी डाल सकते हैं, आपको ना पता हो तो मैं बताऊं, कैनवस में ही नहीं सिर्फ L1 में भी इमेज डाली जा सकती है, लेबल के अंदर भी इमेज डाली जा सकती है, बटन के अंदर भी इमेज डाली जा सकती है, हर चीज के अंदर इमेज डाली जा सकती है। हाँ हालांकि टॉप लेवल में वो इमेज दिखता नहीं, उसका सोल्यूशन है मैं आपको बाद में बताऊंगा, अगर आपको नीड है तो फिर आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो फिर L1 का जो इमेज है वो किसके इक्वल होगा, हमारे इमेज के, हमारी इमेज वैल्यू। तो फिर अब जो है रूट डॉट अपडेट कर दिया है, और अब जो है मेरी मनहूस शक्ल देखनी पड़ेगी। तो फिर हम लोग क्या करेंगे ना कि थोड़ा सा मैं बाल बना लेता हूँ, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, थोड़ी सी समझा करो। तो फिर हम लोग जो है अब लॉन्च कर देते हैं विंडो, ये देखा, और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे डोरेमोन दिख रहा है, डोरेमोन, हाँ डोरेमोन, और कितना अच्छा लग रहा है ये विंडो देखने में। विंडो तो अच्छी लग रही है, तो मेरा कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी गिरी हुई है, तो फिर कोई नहीं, इसके साथ देखिए पाइथन के साथ पॉसिबिलिटी भी इनफाइनाइट जैसी है, मतलब कि नई नई चीज़ें निकलती रहती है, आपका नई नई खोज होता रहता है, तो फिर ये काम आता है। हाँ इनफाइनाइट इसकी प्रोबेबिलिटी है कि आप इससे भी अच्छा बना सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं। देखिए आपको क्या चाहिए कि आप फोटो खींचना चाहते हैं, अगर आप फोटो खींचना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे कि मैं क्या करता हूँ कि जो मुझे फोटो चाहिए मैं उसको डेट टाइम के अकॉर्डिंग लूंगा, डेट टाइम के अकॉर्डिंग लूंगा। तो फिर मैं जो है यहाँ पे बटन डालूंगा, वीडियो कितने मिनट की बन गई है मुझे खुद नहीं पता, तो फिर मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अगर आपको इसमें ही सीखना है तो फिर तो भी मैं आपको इसमें ही बताऊंगा, कोई नहीं, वीडियो लंबी तो हो है थोड़ी सी, तो फिर
कोई रोने की बात नहीं है, आपको भी मज़ा आ रहा होगा। तो फिर एक्चुअली मुझे समय गंवाना ही पसंद नहीं, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग बटन ऐड करेंगे, यहाँ पे जो है हम लोग बटन ऐड कर देते हैं। अब इस बटन के अंदर क्या रहेगा, हम लोग रूट के अंदर डालेंगे और इसके अंदर क्या लिखा रहेगा, टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक स्नैपशॉट, स्नैपशॉट और इसके साथ फॉन्ट सब कुछ हम लोग जो है कॉपी कर देते हैं, डायरेक्ट कॉपी कर देते हैं। टेक्स्ट टाइम्स न्यू रोमन एफ जी रेड सब कुछ ठीक है। अब टेक्स्ट की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट तो हमारा हो चुका है। फॉन्ट सही है, 30 नहीं 20 कर देते हैं, 20 ज़्यादा अच्छा है। तो फिर 20 बोल्ड बी जी इक्वल टू ब्लैक। अब एक बार देखते हैं आया कि नहीं। हाँ एक चीज़ है, आपका अगर ये कैमरा को रिलीज़ नहीं करे तो आपका कैमरा ख़राब हो सकता है। कैब डॉट रिलीज सी वी टू, कोई विंडो नहीं बना रही तो कोई विंडो डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए ये देखा, तो फिर मुझे जो है बटन नहीं दिख रहा, मुझे बटन पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा। तो फिर अगर ओह नीचे है, थोड़ा सा ज्योमेट्री मुझे चेंज करनी होगी। तो फिर यहाँ पे जो है हम लोग जो है ज्योमेट्री थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। तो फिर ज्योमेट्री यहाँ पे 540 है, तो फिर मैं इसको 640 कर देता हूँ। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा पैड एक्स और पैड वाई भी दूंगा। तो फिर सबसे पहले तो फिल इज इक्वल टू ट्रू, फिल इज इक्वल टू एक्स, सॉरी फिल इज इक्वल टू एक्स, एक्स एंड इज इक्वल टू ट्रू। इससे क्या होगा, इससे होगा क्या कि आपका जो बटन है वो पूरा सीवी टू विंडो के बराबर हो जाएगा। इसके साथ पैड वाई इज इक्वल टू, मैं भी इस पिक्सल का देना चाहूँगा बस। अब देखते हैं कैसा बना है मेरी विंडो। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा चेंज देखने को आपको मिलेगा। तो फिर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो फिर देखिए टेक स्नैपशॉट, अरे वाह फोटो ले ली, बकवास कर रहा हूँ कोई फोटो नहीं खींच रहा है। तो फिर यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है यूट्यूब फोल्डर के अंदर जो आप देखे थे। तो फिर इसके अंदर क्या करेंगे कि हम लोग इमेज सेव करेंगे, इसी के अंदर ही इमेज सेव करेंगे। कैसे करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन करूंगा जिसका नाम रहेगा फोटो ले लो। लो भाई फोटो ले लो, अभी काम करते हैं, रहने दो वो काम नहीं करेंगे, कट करो भाई। अब देखो मुझे जो फोटो ले लो है, फोटो ले लो। तो फिर यहाँ पे जो है ग्लोबल वेरिएबल होगा, ग्लोबल वेरिएबल कौन सा होगा, इमेज का होगा, ग्लोबल आई एम जी, ग्लोबल इमेज। अब इमेज को मुझे इसके अंदर से अपडेट करना है, इसलिए वैसे इमेज की जरूरत नहीं, इमेज इसके अंदर भी असाइन हो सकता है। देखिए ये इमेज आ गया। तो फिर हम लोगों को क्या करना है, जो हम लोगों ने इमेज बनाई है हमें इसको सेव करना है। तो फिर काम करते हैं इसका नाम इमेज वन रख देते हैं, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करने वाले हैं। तो फिर यहाँ पे जो है अगर इमेज करेंगे तो अपडेटेड वैल्यू मिलेगी, लेकिन मुझे तो नंपाई वो सिंपल इमेज चाहिए ताकि मैं सेव कर सकूँ। तो ये जो हूँ रैंडम नंबर्स, रैंडम नंबर्स नहीं मैं डेट टाइम के अकॉर्डिंग सेव करूँगा, इम्पोर्ट डेट टाइम। और सबसे पहले तो टाइम इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ, मुझे स्ट्रिंग चाहिए टाइम का, डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टुडे। अश क्या है पूरा डिटेल ये दे देगा। मुझे स्ट्रिंग मिल गई डॉट रिप्लेस, मुझे रिप्लेस का करना है, मुझे इन सबको रिप्लेस करना है, नहीं तो मेरी फोटो इनवैलिड बता देगा, आपको भी एरर मिलेगा। आप मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे जो है थोड़ा सा विंडोज़ ओएस एरर आ जाता है। तो फिर यहाँ पे जो है मैं जो हूँ टाइम को ले लिया हूँ प्लस डॉट पी जी, ये हमारी फाइल का एक्सटेंशन बन चुका है और हम जो है अब इमेज वन को सेव कर देंगे डॉट सेव। तो फिर यहाँ पे जो है हम लोग सेव करने वाले हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग सेव कैसे करेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग टाइम, ये लीजिए हमारी इमेज भी सेव हो गई। कैसे हो गई अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए आप बस यहाँ पे नज़र रखिएगा यहाँ पे, अब देखिए बस मैंने रन किया, देखिए आप मेरी मनु शक्ल फिर से देख रहे हैं। तो फिर ओह सॉरी एक गलती कर दी मैंने, मैंने फंक्शन तो बनाया लेकिन उसको मैंने अपने बटन में इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो फिर यहाँ पे जो है मैं कमांड डाल देता हूँ फोटो ले लो, लो पूरा हमने डन कर दिया है। अब वर्किंग कैमरा हमने बना दिया है फोटो खींचने के लिए। तो फिर यहाँ पे जो है घर की लाइट देख सकते हैं इंडिकेटर की। तो फिर यहाँ पे जो है मैं फोटो लूंगा, तो फिर यहाँ पे जो है कुछ एरर आ गया, नंपाई डॉट एन डी आर और ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो है इमेज वन के साथ थोड़ा सा मसला हो गया है।
क्योंकि यहाँ पे जो है हमने इमेज वन तो ले ली लेकिन इसको कन्वर्ट नहीं किया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो हमने इमेज वन लिया है उसको हम लोग इमेज वन नहीं रखेंगे, हम लोग क्या रखेंगे कि हमारी जो इमेज होगी वो एक अरे है लेकिन हम लोग को उसकी इमेज चाहिए, तो फिर हम लोग जो है इसको कन्वर्ट कर देंगे अपने पिल इमेज में। तो फिर इमेज डॉट फ्रॉम अरे 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 ये अरे बाबा अरे नहीं अरे अरे यानी डेटा। तो फिर यहाँ पे जो है इमेज वन को ले लिया है, अपन लोग को जो है इमेज मिल गई है, अब ये सेव होगी। तभी मैं सोच रहा था कि कुछ मुझे प्रॉब्लम लग रही थी, तो यार होता रहता है, छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं। अब देखिए बस, अब आपकी आंखें बाहर ना आ जाएं तो कहना, अब मैं जो हूँ वैसे ठीक नहीं लग रहा, ठीक तो लग रहा है। ये देखिए फोटो आ गई, दूसरी फोटो, तीसरी फोटो, अरे क्लिक हो जा, ठीक, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं। अब देखिए ये डायरेक्ट इमेज ले रहा है। अब यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा फन देते हैं हम लोग, तो ये फन में क्या है कि देखिए जो एरर फेंक रहा है वो किंटा रहता है, तो फिर वो बाद में मैं सॉल्व करना सिखा दूंगा, अभी के लिए तो बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है इमेज इज इक्वल टू इमेज डॉट सीवी टू डॉट फ्लिप डॉट फ्लिप, ये जो है इमेज को फ्लिप कर देता है। इसके अंदर कोड डालना पड़ता है, तो फिर ये जो है इसका कोड है वन, अगर -1 डालेंगे तो आपकी इमेज उल्टी हो जाएगी, उल्टी यानी कि आपका सर नीचे और पैर ऊपर। तो ये देख लीजिए अभी जो है इमेज देखिए उल्टी हो गई, पहले मेरा दरवाज़ा इधर था तो और अभी इधर आ गया है, यानी कि इमेज जो है फ्लिप हो गई। अब देखिए अगर मैं यहीं पर आपको -1 करके दिखाऊँ तो देखिएगा पूरा पलट जाएगा, इमेज ही पलट जाएगी। तो यहाँ पे जो है -1 मैंने कर दिया है, और अब देखिए मेरी इमेज जो है उल्टी बनेगी, ये देखिए बचाओ गिर रहे हम, देखा समझ आया कुछ? हाँ या तो होगा, इतना अच्छे समझाए तो फिर आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको पाइथन की और नॉलेज चाहिए तो बने रहिए मेरे साथ। अब देखिए यहाँ पे फोटोज हैं, तो फिर हम लोग जो है फोटोज भी देखेंगे। देखिए कितने कम साइज में फोटोज भी बनाया है, क्योंकि इसका कारण भी सिंपल है, एनपी जो है एनपी डॉट अरे ये जो है इसको लिखा गया है आपके सी प्लस प्लस में, तो फिर ये जो है कंपाइलर लैंग्वेज से बनी है, तो फिर ये जो है बहुत ही लाइट वेट होती है, तो फिर ये जो है बहुत ही कम साइज जो है अरेज बनाती है, साइज अरेज का साइज बहुत कम होता है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार जाने दिया, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो मुझे रिस्पॉन्स आप देंगे, मुझे यकीन है, इसलिए तो मैं अभी तक यूट्यूब पे हूँ।